अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और आप देख रहे हैं प्रमोट योर ऑफिशियल चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए। इससे और कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपको हमारी नई वीडियोज़ की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी ताकि आप नई खबरों से और नई वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू, शुक्रिया। बाप को माई बाप बनाने का इनके पास कोई जवाब नहीं, राणा सना का सईद गनी को जवाब। लीग के रहनुमा राणा सनाउल्ला ने कहा है कि सईद गनी का बयान पीपल्स पार्टी के घबराहट के मलामत और खफत मिटाने की नाकाम कोशिश है, जबकि बाप को माई बाप बनाने का इनके पास कोई जवाब नहीं। राणा सनाउल्ला ने पीपी रहनुमा सईद गनी के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है तो उधर उधर की ना बात कर ये बता के काफला क्यों लूटा का जवाब पीपल्स पार्टी ने बिलावल और ना सईद गनी के पास है। उन्होंने कहा कि सईद गनी अपने चेयरमैन की ठंडा पानी पिए और आराम करें के मशवरे पर अमल करें जो उन्होंने जमहूरियत की पीठ में खंजर घोंपने के बाद दिया था, क्योंकि खोखले बयानात बेबुनियाद इल्जामात से माई बाप की भी टीम बनने की आपकी हकीकत नहीं बदलेगी। अगर सेलेक्टर्स के बगैर फतह मुमकिन नहीं तो नून लीग तीन जमनी इलेक्शन कैसे जीती? सईद गनी। राणा सना का कहना था कि पीपी के तर्ज अमल पर नज़ीर भुट्टो शहीद की जमहूरी जदोजहद और कुर्बानी आज शर्मसार है। पीपल्स पार्टी की मिलावटी जमहूरियत की सियासत और वहाम मुस्तरद कर चुकी है। पीपीपी हमें अपना हरीफ समझती है, लेकिन हम इन्हें अपना हरीफ और मुद्दे मुकाबल नहीं समझते। सईद गनी का रद्द अमल ऐसा ही है जैसे डस्का इलेक्शन चोरी के बाद पीटीआई का था। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा हदफ पीपी और सईद गनी नहीं, वोट और इलेक्शन चोरी रोकना है। महंगाई का अजाब अवाम पर मुसल्लत करने वाले करप्ट हुक्मरानों से पाकिस्तान को निजात दिलाना है। नवाज शरीफ ने मुल्क और कौम के लिए जो तारीखी कुर्बानियां दी हैं, इनके लिए सईद गनी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। सईद गनी शेख रशीद बनने की कोशिश न करें, हमें जवाब देने की बजाय इलेक्शन कमीशन को जवाब दें।